अथाष्टादशो अध्याय संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। शौनक उवाच। श्रुत्वा वेदांत सारं तत् रहस्यं परमद्भुतं किं प्रेष्टवान् वामदेव महेश्वरसुतं तदा धन्यो योगी वामदेव शिवज्ञानरतः सदा यत्संबंधात् कठोत्पन्न दिव्या परम पावनी। शौनक जी बोले, हे सूत जी, तब वेदांत सार स्वरूप उस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश्वर पुत्र कार्तिकेय से और क्या पूछा। शिव ज्ञान में सदा तत्पर रहने वाले योगी वामदेव धन्य हैं, जिनके संबंध से इस प्रकार की दिव्य एवं परम पावनी कथा उत्पन्न हुई। इति श्रुत्वा मुनिना तद्वचनं प्रेम गर्भितं सुतः प्राह प्रसन्नस्तं शिवासक्त मनाबुधः। इस प्रकार मुनियों के उस स्नेह युक्त वचन को सुनकर शिव में आसक्त चित्त वाले बुद्धिमान सूत जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। सूत उवाच। धन्यायो य महादेव भक्ता लोकपुकारुकः श्रेणो ध्वं मुनयः सर्वे संवादं च तयोः पुनः। सूजी बोले, आप लोग महादेव के भक्त एवं लोकोपकारी हैं, अजा धन्य है। हे मुनियों, अब आप सभी लोग उन दोनों के संवाद को पुनः सुने। श्रुत्वा महे शतनय वचनं द्वितनाशकं अद्वैत ज्ञान जनकं संतुष्टो महान मुनिः नत्वा सत्वच वेद कार्तिकेयं शिवात्मजम् पुनः प्रक्षतत्वं हि विनयेन महामुनिः। इस प्रकार महेश पुत्र स्कंद के द्वैत नाशक तथा अद्वैत ज्ञान को उत्पन्न करने वाले वचन को सुनकर महर्षि वामदेव प्रसन्न हुए। शिव पुत्र कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनि ने विनय पूर्वक पुनः पूछा। वामदेव वाच। भगवान सर्वतत्त्वज्ञ षण्मुखामृत वारिधे गुरु त्वं कथमेतेषां यतीनां भवितात्मनां जीवानां भवमोक्षादि सिद्धि सिद्ध्यति यत्वशा पारम्पर्यं विना नैष उपदेशाधिकारिता। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सर्वतत्वज्ञ, हे अमृत वारिधि कार्तिकेय, इन आत्मज्ञानी यतियों का गुरुत्व कैसे है? जीवों को भोग मोक्षादि की सिद्धि किस कारण से होती है? संप्रदाय की परंपरा के बिना इन्हें उपदेश में अधिकार क्यों नहीं है? एवं च स्वर्गकर्मांगं स्नानं च कथमीदृशम् इति विज्ञापय स्वामिन् संशयं चितुमर्हसि इति श्रुत्वा कार्तिकेयो वामदेव वच स्मरन् शिवं शिवं च मनसा व्याचष्टुमुपचक्रमे। इनका इस प्रकार छोर कर्म क्यों होता है तथा ऐसा अभिषेक क्यों किया जाता है, इन सभी बातों को बताइए। हे स्वामी, आप मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। वामदेव का यह वचन सुनकर कार्तिकेय जी मन में शिव तथा पार्वती का ध्यान करते हुए कहने लगे। सुब्रह्मण्य उवाच। योग पट्टं प्रवक्ष्यामि गुरु त्वं येन जायते तव स्नेहा त्वं देव महद्गोप्यं विमुक्तिदम्। सुब्रह्मण्य बोले, अब मैं आपके स्नेहवश योग पट्ट का वर्णन करूंगा जिसके कारण गुरुत्व प्राप्त होता है। हे वामदेव, यह अत्यंत गोपनीय तथा मुक्तिप्रद है। वशाखे श्रवणे मासि तथा स्वयुजि कार्तिके
मार्ग शीर्ष चमागे शुक्ल पक्ष शुभे दिने पंचम्यां पौर्णमास्यां कृत प्रभाति क्रिय लब्धानुज्ञस्तु गुरुण स्नात्वानीयति मानसः पर्यङ्क शौचं कृत्वा तत्वा स सङ्गं प्रमचि च त्रिगुणं दुर्माबध्य वाससे परिधाय च क्षालितां कृद्विराचम्य भस्म सद्यति मन्त्रितः धारयेति समादाय समुत्थूनन मार्गतः। वैशाख श्रावण अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातः काल के नित्य कर्म विधि समाप्त कर शिष्य गुरु की आज्ञा से स्थिरचित्त होकर नियम पूर्वक स्नान करके पर्यंक अर्थात आसन की शुद्धि करें और उसके बाद वस्त्र से अपने शरीर को पोंछ कर दूना डोरा बांध करके कटी वस्त्र एवं उत्तरीय धारण करें। फिर पैर धोकर दो बार आचमन करके सद्योजाता जी मंत्र से विधि पूर्वक भस्म धारण करें। इसके बाद फिर भस्म लेकर उसे सारे शरीर में लगाए। सानुकूलेन वैमुने सशिष्य सञ्जलिः स्वाभ्यं हस्ताभ्यां प्राङ्मुखयथा प्रथोपावेष्टितश्चिष्टे मण्डपे समलङ्कृते पूर्वासनवरे शुद्धे शयनादीन कुशोत्तरे। हे मुने, तब आचार्य प्रसन्न होकर शिष्य का हाथ ग्रहण करे और वह शिष्य दोनों हाथों से अंजलि बनाकर पूर्वाभिमुख अलंकृत मंडप में जहाँ कुश उसके ऊपर मिक्चर तथा उस पर वस्त्र बिछा हो ऐसे आसन पर बैठे। हाथ देशिक आदाय शंखम साधर मस्त्रत विशोध्य तस्य पूरत सापयेत् सानुकूलत। इसके बाद आचार्य को चाहिए कि अपने हाथ में आधार सहित शंख लेकर अस्त्र मंत्र से उसे शुद्ध करके शिष्य के प्रति अनुकूल होकर उसके आगे आधार पर स्थापित करे। ताधारम शंखपि च संपूज्य कुसुमादिभि निक्षिपेद् अस्त्रवर्मभ्यं शोधितं तत्र सज्जलम् आहूय पूर्ववत् पूज्य षडङ्गोक्त क्रमेण च प्रणवेन पुनस्तत्व सप्तदैवाभिमन्त्रयेत् अभ्यर्च्य गन्धपुष्पात् धूपदीपो प्रदर्श्य च संरक्ष्यास्त्रेण तं शङ्खं वर्मणा तं कुण्ठयेत्। तत्पश्चात आधार सहित शंख की कुसुमादि से पूजा कर कवच एवं अस्त्र मंत्र से उस शंख में शोधित किया हुआ उत्तम जल डाले और पूर्ववत पुनः कथित षडंग के क्रम से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र से सात बार उस जल को अभिमंत्रित करें। पुनः गंध पुष्प आदि से पूजन कर धूप तथा दीप दिखाकर अस्त्र मंत्र से रक्षा करके उस शंख को कवच मंत्र से अवगुंठित करे। पुनः स्वपुरतः शङ्खं दक्षिणे दिशोत्तमे पूजाघ्योक्तविधानेन सुन्दरं मण्डलं शुभं कुर्यात् सम्पूजयेत्तं च सुगन्धकुसुमादिभिः। उसके बाद आचार्य स्वयं धेनु एवं शंख मुद्रा दिखाए। तदनंतर उस शंख को अपने आगे दक्षिण दिशा में उत्तम स्थान पर रखकर पूजा के अर्घ्य विधान के अनुसार उत्तम तथा शुभ मंडल का निर्माण करे और सुगंधित पुष्पों से उसकी पूजा करे। साधारण शोधितम शुद्धम घटम तंतु परिष्कृतम रूपितम स्थापितम शुद्ध वासितोद प्रपूरितम पंचपत्रैश्च मृत्तिकाभिः पञ्चभिः मिलितं च सुगन्धेन लेपयेत्तं मुनीश्वर वस्त्राम्रदन दूर्वाग्र नारिकेल सुमेस्तृतः तं घटं वस्तुभिश्चान्य सङ्कुर्यात् समलङ्कृतम्।
उस मंडल पर आधार सहित शोधित धूपित सूत से आवेष्टित तथा सुगंधित निर्मल जल से भरा हुआ उत्तम घट स्थापित करे हे मुनीश्वर। उसमें 5 वृक्षों पीपल प्लक्ष गुलर आम तथा बरगद की छाल पंच पल्लव रखे और 5 प्रकार की मिट्टी में सुगंधित जल मिलाकर कलश में उसी से लेप करें। इसके बाद वस्त्र आम्रपत्र दूर्वा दल कुशाग्र नारियल तथा फूलों से कलश को पूर्ण करें। इस प्रकार अन्य वस्त्रों से भी उस घट को अलंकृत करें। विन्यासे पंचरत्नानि घटे तत्र मुनीश्वर हिरण्यं चापि तेषां वा भावे भक्त्या प्रविन्यसे नीलाख्यरत्नं च तथा रत्ने माणिके हेमनि प्रवालगोविन्दके च पंचरत्नमिदं स्मृतम्। हे मुनीश्वर, उस घट में पंचरत्न अथवा उसके अभाव में भक्ति पूर्वक केवल सुवर्ण गाले नीलम माणिक के सुवर्ण मूंगा वो में इन्हें पंचरत्न कहा गया है। निम्नस्कामिति संप्रोच्य जो मिथ्यन्ते तथैषिकः साम्यक् विधानतः प्रीत्या सानुकूल समर्चये आधार शक्तिमारभ्य यजेनोक्ति विधानतः पंचावरण मार्गेण देवमावाह्य पूजयेत्। निम्नलुष्क इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए लूम इस बीज को अंत में लगाकर आचार्य प्रेम से विधि पूर्वक आधार शक्ति से लेकर पंचावरण पर्यंत उन उन देवों का आवाहन कर पूजा करें। निवेद्य पायसानं च ताम्बूलादि यथा पुरा नामाष्टकार्चनान्तं च कृत्वा कामाभिमन्त्रये प्रणवाष्टोत्तरशतं ब्रह्माभिः पञ्चभिः कणात् सद्यादिशतमाप्यस्त्रं प्रक्षितं वर्णुना पुनः अवगुण्ठ प्रदर्श्यात् धूपदीपो च भक्तितः धेनुयोन्यक्य मुद्रे च सम्यक् तत्र प्रदर्शयेत्। तत्पश्चात पायस का नैवेद्य अर्पित कर पूर्व की भांति तंबूलादि उपचारों को समर्पित करे और शर्व आदि 8 नामों से पूजन करे। तदुपरांत अष्टोत्तर शत प्राणों का उच्चारण करके उस घट को अभिमंत्रित करे। उसके अनंतर पंच ब्रह्म मंत्रों से सद्योजातादि का अर्चन कर मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र मंत्र से रक्षण तथा कवच मंत्र से अवगुंठन करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक धूप एवं दीप दिखाकर बाद में धेनु और योनि नामक मुद्राएं प्रदर्शित करे। मण्डलास्त्रिशदे भागे चतुरस्र प्रकल्पये तदुपर्यसनं रम्य कल्पयित्वा विधानतः तत्र संस्थापये शिष्यं तं शिशुं सानुकूलतः। उसके बाद आचार्य उस शिष्य के मस्तक को कुशों से ढककर मंडल के ईशान कोण में चौकोर मंडल का निर्माण करे। इसके ऊपर विधि पूर्वक सुंदर आसन रखकर उस पर उस शिशु शिष्य को प्रेम पूर्वक बैठाए। ततः कुम्भं समुत्थाप्य स्वस्ति वाचन पूर्वकम् आभिषिक्षेतुः शिष्यं प्रदक्षिणेन मस्तके प्रणवं पूर्वमूर्चाय सप्तधाभ्रम भेस्ततः पंचभिश्चाभिषेकान्ते शंखोदेनाभिभेष्टये। उसके बाद कलश को उठाकर स्वस्ति वाचन करते हुए गुरु प्रदक्षिण क्रम से अपने शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे। तदनंतर प्रणव का 7 बार उच्चारण कर पंच ब्रह्म के मंत्रों से अभिषेक कर शंख का जल उसके चारों ओर अभिवेष्टित कर दे। चारुदीपं प्रदर्श्यात् वाससापरिमृज्य च नूतनं दुर्कोपीनं वाससि परिधापयेत्। तदनंतर मनोहर दीप दिखाकर वस्त्र से पोंछ कर नए डोरे से युक्त वस्त्र तथा कौपीन धारण करें। ठानी तांत्री द्विजा चम्य धृत भस्म गुरु शिशु हस्ताभ्याम वलं व्यात हस्तो मांडप मध्यत तदंगेशु समालेप्य तथस्म विधिना गुरु आसने संप्रवेश्यात कल्पिते सापये सुखम्।
उसके बाद पैर धोकर तथा दो बार आचमन करा के भस्म लगाकर आचार्य अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर मंडप के मध्य में उसे ले जाए। पुनः गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर सुख पूर्वक बैठाए। पूर्वाभिमुख मातीय तत्व ज्ञानाभिलाषिणम् श्वासनस्थ गुरुर्दूय रामलात्मा भवेत्थितम् गुरुश्च परिपूर्णोऽस्मि शिव इत्यचलस्थितिः समाधिमचरेत् सम्यक् मुहूर्तं गुणमानसः पश्चात्न्मिलनायने सानुकूलेन चेतसा सङ्ग्रहणीं संस्थितं शुद्धं पश्येष्यमनाकुलः। तदनंतर पूर्व की ओर मुख कर बैठे हुए शिष्य को आत्म तत्व ज्ञान का अभिलाषी जानकर अपने आसन पर बैठा हुआ आचार्य उससे कहे, विशुद्ध आत्मा वाले हो जाओ, तत्पश्चात गुरु परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा कहकर अचल हो, दो घड़ी तक के लिए स्थिर चित्त हो, समाधि में लीन रहे। इसके बाद नेत्र खोल कर अपने सामने अंजलि मांग कर खड़े हुए अपने शिष्य की ओर प्रेम से देखे। दक्षिश्रुतौपदेशे हंसः सोऽहमिति स्फुटम् तत्राद्यहं पुतस्यार्थ शक्त्यात्मा स शिवः स्वयं स एवाहं शिवोऽस्मीति आत्मानं संविभावय। इसके बाद भस्म लिप्त अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंस सोहम इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश करे और शिष्य से कहे कि इस मंत्र के आदि पद अहं का अर्थ स्वयं वे शक्त्यात्मा शिव हैं, वही शिव मैं हूँ ऐसा अपने मन में विचार करे। वाक्यानि वच्मिते ब्रह्म सावधानमति शृणु तानि धारय चेते सब्रूयादिति संस्फुटम्। या इत्यनो इत्यादि मंत्र के अर्थ तत्व का उपदेश कर बाद में ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान को कहने वाले महावाक्यों को मैं तुमसे कहता हूँ, हे ब्राह्मण सावधान होकर सुनो और उन्हें चित्त में धारण करो, इस प्रकार कहकर स्पष्ट रूप से उन महावाक्यों का उपदेश करे। महापुराणे षष्ठ्यां कैलाश संहितायां संन्यास पद्धतौ शिष्य करण विधिर नामाष्टक दशो अध्याय। इस प्रकार शिष्य महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति में शिष्य करण विधि नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।